नमस्ते दोस्तों, आगरा में स्थित ताजमहल है हमारा सेवन वंडर्स में से पहला वंडर, जो कि सन 1648 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की निधन के बाद उनके समाधि स्वरूप ये बनाया था। ये ताजमहल जो कि आज विश्व प्रसिद्ध है और इसको देखने के लिए लाख पर्यटक हर दिन आता है। ये सब ताजमहल के अंदर की नक्शा है जो बहुत ही खूबसूरत है। जब सूरज की रोशनी ताजमहल की दीवारों में पड़ती है तो ये उसका कलर चेंजेस होते हैं और ये ताजमहल की सुंदरता को और बढ़ा देती है। ताजमहल के पास से यमुना नदी बहती है और इसके कारण इसके सुंदरता में और भी निखार आता है और इन सब कारणों से ताजमहल हमारे देश की शान है। ताजमहल को देखने के लिए करीब 8 मिलियन लोग हर साल आते हैं। तो दोस्तों, सेवन वंडर्स में से जो दूसरा वंडर है वो है इटली का कोलोसियम, जो कि बनाया गया था 70 से 72 AD पे। ये जो पिक्चर है इसके लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं वो है ओरिजिनल कोलोसियम जो बनाने के टाइम में था और राइट साइड वाला है अभी का। 3D ग्राफिक्स के द्वारा आपको दिखाना चाहेंगे जब ये मोनूमेंट बनाया गया था तो तब कैसा था। बहुत सारे वर्कर्स मिलके इस कोलोसियम का काम कंप्लीट किया था। कई सारे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट मिलके इसको बनाया था। पूरा स्ट्रक्चर को बनाने में करीब 10 साल लग गए थे। कोलोसियम के बाहर में कोलोसस ऑफ नेरो का स्टेचू लगाया गया है। कोलोसस एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है बहुत बड़ा, और उसी से नया वर्ड फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम हुआ कोलोसियम। कोलोसियम में 50,000 सीट कैपेसिटी था। कोलोसियम के मैदान में आदमियों के बीच में आपस में और पशुओं के बीच में आपस में खेला होता था। और उसी के कारण कोलोसियम का पूरा ग्राउंड खून से लथपथ हो जाता था। बाद में ये खतरनाक गेम बंद किया गया था। और भी बहुत सारे गेम जैसे नाव चलाना ये सब होता था वो जगह में। 19वीं शताब्दी में बहुत लंबे लंबे घास और जंगल हो गए थे कोलोसियम के अंदर में, और इसी के कारण कोलोसियम का स्ट्रक्चर खराब हो गया था। पर उसके बाद 20वीं शताब्दी में दोबारा कोलोसियम का स्ट्रक्चर ठीक किया गया। तो दोस्तों, यही है खूबसूरत कोलोसियम की कहानी। तो दोस्तों, जो तीसरा वंडर्स है उसका नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि चाइना में स्थित है और इसको बनाया गया था ईसा पूर्व 700 में। जो चाइना के पहले एम्परर थे उनका नाम था क्वीन शी वांग और उन्होंने ही इसको बनाया था। दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे किया गया था उसका 3D स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं अभी। 21,196 किलोमीटर लंबा है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हालांकि पहले छोटा था, अब उसको और भी बड़ा किया गया है। ये वॉल 22 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा है। करीब 2 मंजिला इमारत जैसी है इसकी ऊंचाई। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए कई बिलियन टन ईंट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये ढांचा इतना मजबूत है कि ये टूटने का कोई चांस ही नहीं है इसके। उन दिनों से ही चीन कितना डेवलप था यही दर्शाता है इसमें। दोस्तों, जो चौथा वंडर है उसका नाम है चिचेन इट्ज़ा और ये मेक्सिको में है। चिचेन इट्ज़ा का मतलब है एट द माउथ ऑफ द वेल ऑफ इट्ज़ा, जहाँ पे आपका ची का मतलब है माउथ और चेन मतलब वेल यानी कुआ, और इट्ज़ा का मतलब है एन एथनिक ग्रुप, जो उस टाइम में जब ये बनाया गया था तो एक एथनिक ग्रुप का शासन था मेक्सिको में, तो उसी के हिसाब से ये नाम आया चिचेन इट्ज़ा। और जो कुआ की बात की गई है यही है वो कुआ।
एक समय पर यहाँ पर मायन जाति के लोग रहते थे, पर किसी को पता नहीं क्यों वो लोग यहाँ से चले गए। इस आकृति को कुलकुलकन कहा जाता है, जो कि माया ट्राइब के लोगों का भगवान है। चिचेन इट्ज़ा का टोटल लंबाई है 30 मीटर और यहाँ पर टोटल 9 टेरेसेस है, जो छत है इसमें ऊपर। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं उसके ठीक नीचे सांप जैसी आकृति बनाई गई है और उसका 45 डिग्री एंगल में ये बनाया गया। इस मोनूमेंट के अंदर चेकमोल स्टेचू है जो आप अभी देख रहे हैं, और एक तेंदुए जैसा एक सिंहासन है। इस चिचेन इट्ज़ा के साथ एक बहुत रहस्य जुड़ा हुआ है, जो कि पूरे साल में 2 बार इक्विनॉक्स आता है, जब दिन और रात समान होता है। इक्विनॉक्स के दिन जब सूरज उठता है तो उस टाइम में जो सांप की आकृति है उसका जो परछाई है सूरज के साथ, वो धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है, और जब सूरज ढलता है तो उस टाइम में वो सांप की आकृति के जो परछाई है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इस मॉन्यूमेंट को उस टाइम में माया कैलेंडर के हिसाब से बनाया गया था। इस मॉन्यूमेंट के चारों तरफ पिरामिड जैसी आकृतियां हैं, और हर एक पिरामिड जैसी आकृतियों में टोटल 91 करके स्टेप्स हैं, तो चारों तरफ मिलकर हो जाता है 364 स्टेप्स। और इन चारों पिरामिडों के ठीक ऊपर में एक मंदिर है, उसका है और एक स्टेप, तो हो गया टोटल 365 स्टेप्स। और इन 365 स्टेप्स को 365 दिन के तरह, जो कि एक साल होता है, उसके तरह तुलना किया जाता था। चिचेन इट्ज़ा के बगल में एक मंदिर है, उसका नाम है टेम्पल ऑफ वॉरियर्स, और उसके सामने कुछ कॉलम से उसको वॉरियर की तरह माना जाता था। और उसके एकदम ऊपर में एक चेकमोल का स्टेचू है, और इस स्टेचू को वॉरियर के सेक्रीफाइस का प्रतीक माना जाता था। जो पांचवा अजूबा है उसका नाम है क्रिस्ट द रेडिमिर, और यह है ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में, और ये जेसस क्राइस्ट का एक बहुत बड़ा स्टेचू है। दोस्तों, ये जो स्टैचू है इसकी पूरी लंबाई है 98 फीट, और दो बाजू हैं, ये दोनों बाजुओं का डिस्टेंस है 92 फीट। ब्राज़ील में हर साल 2 मिलियन से भी अधिक लोग यहाँ पे ये स्टैचू को देखने के लिए आते हैं। कॉन्क्रीट और सोप स्टोन से बनाया गया ये स्टैचू को देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर। दोस्तों, जो छठा आश्चर्य चीज़ है वो है माचू पिचू, वो पेरू में है और इसका मतलब है पुरानी चोटी। तो आइए देखते हैं माचू पिचू की कुछ कहानियाँ। सन 1450 के आसपास इनका सभ्यता के लोग यहाँ पे रहते थे, और बाद में स्पेन द्वारा इनकाओं पे जब आक्रमण चलाया गया उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए। ये जगह बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मनुष्यों के कंकाल मिले गए थे। कहा जाता है कि इनका सभ्यता के लोगों के द्वारा सूर्य देव को अपना बलि दिया जाता था, इसी के कारण इतने सारे कंकाल मिले होंगे। सालों तक यूरोपियन कंट्रीज के लोगों के द्वारा ये जगह पर आना जाना बंद था। सन 1983 में यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, और 2007 में इसको 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया। दोस्तों, और लास्ट में जो सातवां अजूबा है उसका नाम है पेट्रा, और वो है जोर्डन देश में, और ये ईसा पूर्व 312 में इसको बनाया गया था। पेट्रा की दीवार लाल पत्थरों से बनाया गया है, और बहुत सुंदर यहाँ पर पेंटिंग की गई है अंदर में। हर साल पेट्रा में 8 मिलियन पर्यटक आते हैं इसको देखने के लिए। जॉर्डन के पड़ोसी देश है इराक, और यहाँ पर अभी अशांति कायम है, और इसीलिए पर्यटकों का आना भी थोड़ा कम हो गया है पेट्रा पे। तो दोस्तों, ये है हमारा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की कहानी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है सुदीप सरकार त्रिपुरा।
नमस्ते दोस्तों।